हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। दिस इज़ अ न्यू सीरीज ऑन माय चैनल एंड आशा करता हूँ आप लोगों को यही सीरीज स्पेशली पसंद आएगा, क्योंकि इस सीरीज में ना मैं हर हफ्ते किसी ऐसे नेशन के ऊपर बात करूँगा अलग से। ओके, फ्यूचर सीरीज कंटिन्यू होगा आफ्टर दुर्गा पूजा के बाद, वो सीरीज भी कंटिन्यू होगा। एंड इस पे ना कैसे हर हफ्ते मैं जो ऐसे नेशन की जो न्यूज़ है उसको मैं कवर करूँगा। एंड आज की वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि फर्स्ट एपिसोड है, तो कुछ स्पेशल ही करना था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे न्यू कंट्रीज वेयर क्रिकेट इज गेटिंग पॉपुलर। यस, पांच ऐसे कंट्री के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जिधर ना गाइस क्रिकेट पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। तो मेरे लिस्ट में नंबर वन जो कंट्री है वो है ओमान। ओमान जो कंट्री है हाल ही में बहुत ही अच्छा कर रहा है गाइस क्रिकेट में स्पेशलिटी। एंड 2024 की जो क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, इसमें प्रोबेबल दावेदार है कि 2024 की T20 वर्ल्ड कप में ना ओमान क्वालिफाई कर सकता है गाइस। एंड अगर हम ओमान की कुछ बातें देखें ना गाइस, 2002 में ही वो समय था जब ओमान ना हायर लेवल पर जाकर खेलने लगा था। ओमान जो क्रिकेट टीम है वो बेहतर होने लगा था 2002 के बाद से। देन इस कंट्री में जो पॉपुलैरिटी है क्रिकेट की वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा, जो ग्रेजुअली इंक्रीज है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगा। एंड ओमान प्लेड देयर फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच एवर इन 2015 एंड दे प्लेड देयर फर्स्ट ओडीआई मैच इन 2019। एंड इतना ही कम वक्त में ना ओमान ने बहुत ही ग्रेजुअली बहुत ही इम्प्रूव किया है अपने क्रिकेट में। एंड टूडे देखो टूडे सिनेरियो की बात करें, ओमान ने ना गाइस जो इस साल की जो वर्ल्ड कप है 2023 की, इसके जो पहले क्वालिफायर्स भी था उसको भी उन्होंने खेला था गाइस। एंड उन्होंने ना गाइस जो फुल नेशन है आयरलैंड उनको भी अपसेट किया था गाइस इस वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में। एंड इस कंट्री में ना गाइस जो क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है गाइस। आज के टाइम में लगभग 37% जो लोग है ओमान में वो क्रिकेट फैंस है एक्चुअली में। एंड ऑल्सो एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जो ये जो 37 पॉपुलेशन है ना जो क्रिकेट को आज के टाइम फॉलो करते हैं, जो क्रिकेट फैंस है, तो देखो ये ना गाइस इनिशियल फैन है, जो हार्डकोर फैन है ना वो बनने में टाइम लगेगा। एंड जितना भी पॉपुलेशन आज के टाइम में ओमान में क्रिकेट फॉलो करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेशन पॉपुलेशन ही है, बट एटलीस्ट क्रिकेट फैंस तो है। देन इसके बाद हमारे लिस्ट में जो नंबर सेकेंड कंट्री है वो है नेपाल। सो ये बात तो शायद मैं आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने देखा है प्रीवियसली मैचेस में नेपाल ने जितना भी होम ग्राउंड में मैचेस खेला है ना गाइस, नेपाल की बहुत ही फुल पैक स्टेडियम था। मतलब नेपाल ने जितना ही होम सीरीज खेला है, क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग 2 के जितनी मैचेस खेला है, आप स्टेडियम पे जाके देखना बहुत ही फुल पैक स्टेडियम था नेपाल की। अगर आपको नेपाल क्रिकेट के बारे में और भी जानना चाहते हो ना गाइस, देखो ऊपर आई बटन में एक लिंक है, इस वीडियो को जाके देख सकते हो। एंड ऑल्सो नेपाल की जो टीम है गाइस वो तो देखो पॉपुलर तो है, नेपाल में क्रिकेट नंबर वन पॉपुलर स्पोर्ट तो है। एंड ऑल्सो नेपाली जो क्रिकेट है वो ग्रो तो कर रहा है गाइस एज ए फैन वाइज, एंड ऑल्सो देयर क्वालिटी वाइज भी नेपाल ग्रो कर रहा है गाइस। हाल ही में उन्होंने 2023 में ना फर्स्ट टाइम एशिया कप को खेला है, एंड ओडी एशिया कप था, एंड बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस उन्होंने किया है गाइस। इंडिया के साथ भी पार्टिसिपेट किया था, जो बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किया है नेपाल ने। एंड ऑल्सो एशियन गेम्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ऑल्सो वेरियस टूर्नामेंट पे नेपाल पार्टिसिपेट कर रहा है गाइस। एंड मैं श्योर हूँ आने वाले 2-3 सालों में ना गाइस नेपाल बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा सकता है। मेरी लिस्ट के जो नंबर थर्ड कंट्री है वो है ब्राज़ील। तो क्रिकेट था गाइस ब्राज़ील में 1800 से पहले से ही खेला जाता था। एंड ब्राज़ील के साथ भी जो इंग्लिश है, इंग्लैंड का एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रहा है, जिसके वजह से इतना साल पहले से ही ब्राज़ील में क्रिकेट खेला जा रहा है गाइस। ऑल्सो ब्राज़ील में बहुत सारे क्रिकेट क्लब्स भी मौजूद है। अगर आपको ब्राज़ील क्रिकेट के बारे में जानना है, मतलब डिटेल्स में जानना है, तो आई बटन में एक लिंक है, इस वीडियो को जाके देख सकते हो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एंड गाइस आज के टाइम में ना ब्राज़ील की अगर पॉपुलैरिटी बात करें क्रिकेट की, तो देखो आज के टाइम में टोटल लगभग 50,000 से ज़्यादा ना जो क्रिकेटर्स है जो ब्राज़ील में क्रिकेट को खेलते हैं गाइस, यस 5 लाख से ज़्यादा प्लेयर्स है जो ब्राज़ील में क्रिकेट को खेलते हैं, दिस इज मेंस वुमेंस दोनों को मिला करें। ओके, एंड पॉपुलैरिटी की बात करें, देखो आज के टाइम में ना गाइस 2019 की बात से क्रिकेट इधर पॉपुलर हो रहा है गाइस। यस, अगर ब्राज़ील और भी फोकस करें तो आने वाले 10-15 सालों में ना गाइस स्पेशली उनकी वुमेन्स टीम किसी T20 वर्ल्ड कप के लिए तो क्वालिफाई कर सकते हैं मुझे जितना लगता है गाइस। एंड मैं रियली होप करूंगा ब्राज़ील और भी अच्छा करे। देन हमारी लिस्ट की जो फोर्थ कंट्री है वो एक अनएक्सपेक्टेड कंट्री है, एंड शायद आपने भी इस कंट्री के बारे में शायद अंदाजा नहीं लगाया होगा, तो दैट इज पोर्तुगल। सो पोर्तुगल में ना गाइस क्रिकेट की अगर हिस्ट्री की बात करोगे, तो ड्यूरिंग द जो पेनिनसुलर वॉर था 1809 एंड 1814 के बीच में जो हुआ था ना गाइस,
इस वर्ल्ड के टाइम पर जो क्रिकेट का जो एक्सपर्टिस है इस कंट्री के पास आया था गाइस, एंड इसी टाइम में जो क्रिकेट है वो एपेयर हुआ था पुर्तगाल में। सिंस 1861 के बाद से ना जो पुर्तगाल की जो लिस्बन है उधर क्रिकेट बहुत ही तेजी से खेला जा रहा था। देन 1994 में ना क्रिकेट एसोसिएशन फॉर्म हुआ था पुर्तगाल में, एंड इसके बाद 1996 में पुर्तगाल एक एफिलिएट मेंबर बना था। एज ऑफ नाउ 2017 के बाद से पुर्तगाल रेगुलरली मैचेस खेलने लगा था वर्ल्ड स्टेजेस में। आई नो आप लोग पुर्तगाल को एज ए फुटबॉल नेशन की ओर से जानते हो, पुर्तगाल फुटबॉल में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, इधर फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बट इसके साथ साथ ही ना गाइस जो क्रिकेट है वो भी ग्रेजुअली गेनिंग पॉपुलर हो रहा है गाइस पुर्तगाल में भी। आई नो जो इनिशियल अभी पॉपुलेशन है क्रिकेट में पुर्तगाल में वो अभी इमिग्रेशन पॉपुलेशन ही ज़्यादा है, क्योंकि इमिग्रेशन ज़्यादा अभी पुर्तगाल में हो रहा है तो इसके वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट दिस इज द इनिशियल फेज। जब नेक्स्ट फेजेस में जाएंगे ना पुर्तगाल में भी क्रिकेट पॉपुलर हो सकते हैं, क्योंकि एक आर्टिकल के माने ना गाइस तो अभी के टाइम में जो पुर्तगाल में जो क्रिकेट की फैंस है वो लगभग 53.8% ऐसे फैंस है जिनका एज 25 से लेकर 34 के बीच में है गाइस, तो दिस इज रियली अ ग्रेट थिंग। देन मेरे लिस्ट की जो फिफ्थ कंट्री है वो शायद ना गाइस आने वाले टाइम में एक क्रिकेट सुपर हाउस भी बन सकते हैं, टोटली पोटेंशियल रखते हैं, एंड वो है यूएसए। सो यूएसए में ना गाइस जो क्रिकेटर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है गाइस, अदर कंट्रीज में तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है बट यूएसए में क्रिकेट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। आई नो यूएसए में बेसबॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एंड ऑल्सो बेसबॉल भी सिमिलर ही है क्रिकेट की जैसा ही। आज के दिन यूएसए एक एसोसिएट टीम के साथ साथ उनके पास ओडीआई स्टेटस भी है, एंड 2024 की जो ओलंपिक है ना वो वेस्ट इंडीज के साथ साथ यूएसए भी होस्ट करेंगे, एंड आने वाले टाइम में जो लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होंगे इसमें भी क्रिकेट शामिल है। तो देखो बहुत कुछ अभी एक्शन होंगे यूएसए में। ऑल्सो इस साल से 2023 से ना गाइस मेजर लीग क्रिकेट भी स्टार्ट हुआ है, एंड बात करें मेजर लीग क्रिकेट का सक्सेस हुआ है तो इसको जानने के लिए ना गाइस आप इस वीडियो को देख सकते हो, एंड मैं शॉर्टली अगर बोलूँ ना गाइस तो काइंड ऑफ एमएलसी सक्सेस हुआ है, एंड इसके बाद से देखो क्रिकेट ना इस जो रीजन है रीजन में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लगा है गाइस। आज के टाइम में ना गाइस यूएसए में टोटल 15 मिलियन फैंस मौजूद है जो क्रिकेट को देखते हैं, एंड क्रिकेट इधर बहुत ही स्टेडीली बहुत ही ग्रो कर रहा है गाइस। एंड आज के टाइम में ना यूएसए में टोटल 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो क्रिकेट को खेलते हैं, एंड दिस इज़ द वेरी इनिशियल स्टेट यूएसए के लिए भी है। तो दिस इज़ माई 5 नेशन जो आने वाले टाइम में एक क्रिकेट नेशन बन सकता है गाइस एटलीस्ट। तो क्या सोचते हो हम इसके बारे में नीचे कमेंट में बताना, एंड नेक्स्ट टॉपिक आप बताना कि कौन सी टॉपिक को मैं कवर करूँ। ओके कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक सजेस्ट करना जो आपने कहीं पर भी ना देखा हो, ऐसा कुछ टॉपिक सजेस्ट करना। तो कैसा लगा गाइस ये वीडियो, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हैव अ ग्रेट डे, हैव फन।